गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 प्रहेलिका ऑफ आवर संस्कृत टेक्स्ट बुक. सेम 2 की संस्कृत की बुक की चैप्टर 1 प्रहेलिका आज हम स्टार्ट करेंगे. प्रहेलिका का मतलब होता है पहेली. वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा. वृक्षाग्रवासी का मतलब होता है वृक्ष अग्रवासी, यानी कि वन हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ के ऊंचाई पर तो रहता है. न च पक्षी राजा, लेकिन पक्षी राज गरुड़ नहीं है. पक्षियों का जो राजा गरुड़ है वो नहीं है. त्रिनेत्रधारी न च शूलपाड़ी. त्रिनेत्र धारी तो है, तीन आंखों वाला है, लेकिन वो शूलपाड़ी यानी कि त्रिशूल धारण करने वाले शंकर भगवान नहीं है. त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी. त्वग वस्त्रधारी का मतलब होता है कि स्किन के कपड़े धारण करना, यानी वन हु हैविंग क्लॉथ ऑफ स्किन. वो जो स्किन के कपड़े तो धारण करता है, लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है. जलम च विभ्रन्न घटो न मेघः. जल तो है, उसमें जल तो है, जल तो है उसके अंदर, लेकिन वो न घट है न मेघ है, यानी न घड़ा है और न ही मेघ है. तो बताइए कि ये क्या है, क्या हो सकता है? ये नारियल, क्योंकि नारियल पेड़ की ऊंचाई पर रहता है और त्रिनेत्रधारी भी है वो, लेकिन वो शूलपाड़ी नहीं है और स्किन के वो कपड़े पहनता है और उसके अंदर पानी भी होता है, लेकिन वो घट और मेघ नहीं है. ये सारे गुण होने के होते हैं इसके अंदर. वो है नारियल. नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता. नर नारी से उत्पन्न होती है, लेकिन उस स्त्री के शरीर नहीं है. देह विवर्जिता का मतलब है बिना शरीर के, यानी विदाउट बॉडी. आमुखे कुरते शब्दम जात मात्रा विनश्यति. और शब्द करते ही वह पैदा होते ही विनाश हो जाती है, नष्ट हो जाती है. तो बताइए वो कौन सी चीज है. नर नारी से उत्पन्न होती है, यानी हम दो उंगलियां जो चुटकी बजाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दो उंगलियों से जो हम चुटकी बजाते हैं, और उससे क्या होता है कि आवाज़ निकलती है. चुटकी बजाते ही आवाज़ निकलती है और आवाज़ निकलते ही समाप्त हो जाती है. तो नर नारी से उत्पन्न तो होती है, यानी हमारी दो उंगलियों को, नर और नारी, मध्यमा उंगली को नर और जो अंगूठा है हमारा उसको नारी मान लिया गया है यहाँ पर. तो ये नर नारी से उत्पन्न तो होती है, लेकिन ये जो है आवाज़ जो है बिना शरीर के है. ये स्त्री जो है ये बिना शरीर के है और आवाज़ निकलते ही ख़त्म हो जाती, यानी जैसे ही पैदा होती है वो समाप्त हो जाती है. विनश्यति विनाश हो जाता है. तो ये क्या चीज़ होगी, इसको ये है चुटकी, जो हम चुटकी बजाते हैं. कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न सर्पिणी. कृष्णमुखी तो है, लेकिन काले मुख वाली तो है, लेकिन ये मार्जारी नहीं है. मार्जारी यानी कि बिल्ली, बिल्ली नहीं है. द्विजिह्वा न च सर्पिणी, दो जीभ वाली है, लेकिन ये सर्पिणी नहीं है. इसके दो जीभ हैं, लेकिन ये सांप सर्पिणी नहीं है. पंचभत्री न पांचाली यो जानाते सा पंडिता. पंचभत्री यानी कि पांच पतियों वाली है, लेकिन वो पांचाली यानी कि द्रौपदी नहीं है. इस पहेली को जो जानेगा वो पंडित कहलाएगा. तो ये क्या हो सकती है, ये होगी लेखनी.
यानी कि जो कलम पहले के टाइम में जो इंक पेन यूज किया करते थे उसके बारे में ही है ये, कि उसके वह काले मुख वाली तो है, इंक की वजह से उसका मुख जो होता है कैसा होता है, काला होता है, लेकिन वो बिल्ली नहीं है। और जो आगे की निब होती वो दो पार्ट में बटी होती, बीच से कटी होती है, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि द्विजिह्वा तो है लेकिन वो सर्पिणी नहीं है। और पंचभत्री से यहाँ पर मतलब है कि उसको हम पांच उंगलियों से धारण करते हैं या पकड़ करके पांच उंगलियों से हम लिखते हैं, तो वे पंचभत्री यानी पांच पत्तियों वाली बता रहे, जो पांच उंगलियां हैं वो उसके पांच पति हैं लेकिन वो पांचाली द्रौपदी नहीं है। तो ये क्या होगा, ये होगी लेखनी। दंतहीना शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषका, दंतहीन है, दांत बिना वाली है लेकिन शिलाभक्षी पत्थर खाती है। निर्जीवो बहुभाषका, निर्जीव तो है लेकिन वो बहुत बोलती है। गुड़ स्यूते समृद्धो अपि, मतलब एक धागे से बंधी हुई है, पर पादेन गच्छति और दूसरों के पैरों से चलती है। तो बताइए ये कौन है, ये है जूता। जूता होता है जैसे कि हम उसको पैरों में डाल लेते हैं, तो दांत के बिना की है लेकिन शिलाभक्षी यानी हमारे पैरों को बोल रहा है कि हम उसमें पैर डाल के रखते हैं, तो शिलाभक्षी है, शिला को खाती है। निर्जीव है, बहुभाषका है, निर्जीव है लेकिन बहुत बोलती है। जब जूता पहन के हम चलते हैं तो आवाज़ आती है जूते से। और एक धागे से बंधी हुई है और दूसरे के पैरों में से चलती है, तो ये है जूता। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किसमें पैदा होती है, किसमें होती है कस्तूरी, को हंती करड़ा करिड़ा कुलम, और जो हाथियों के झुंड को कौन मार सकता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, और जो कायर पुरुष होता है वो युद्ध में क्या करता है। मृगात सिंह पलायनम, तो यहाँ पर बताना है आपको कि ये क्या है। तो यहाँ पर तीन आंसर होंगे, किस प्रकार से तीन आंसर होंगे, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किस में पैदा होती है, तो यहाँ पर आंसर दे रखा हुआ है, कस्तूरी मृग में पैदा होती है, मृग में होती है कस्तूरी, को हंती करिणाम कुलम, और हाथियों के झुंड को कौन मार सकता है, सिंह मार सकता है, तो सिंह यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। और किम करे कुर्यात कातरो युद्धे, और युद्ध में जो कायर पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, वो पलायन करते, तो तीनों आंसर यहाँ पर दे रखा हुआ, मृगात सिंह पलायनम, इस पहेली के अंदर ही आंसर है। तो मृग सिंह और पलायनम, पलायन ये हमारा आंसर होता है। और ये हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने होते हैं, क्योंकि अगर हार्ड वर्ड आपको लर्न होंगे तो संस्कृत पढ़ना आपके लिए इजी हो जाएगा। एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्टिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, ब्रैकेट में से वर्ड को सेलेक्ट करके आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वृक्षाग्रवासी कह अस्ति, वृक्षाग्रवासी कौन है, तो हमने नारिकेला को टिक किया है, नारिकेला वृक्षाग्रवासी अस्ति, का स्त्री देह विवर्जिता अस्ति, तो हमने यहाँ पर छोटिका को टिक किया है, छोटिका स्त्री देह विवर्जिता अस्ति। थर्ड नंबर, का कृष्णामुखी अस्ति, लेखनी को हमने टिक किया है, लेखनी कृष्णामुखी अस्ति। फोर्थ नंबर, कह पर पादेन गच्छति, तो यहाँ पर होगा पादरक्षः, पादरक्षः पर पादेन गच्छति। फिफ्थ नंबर, कस्तूरी कस्मात जायते, तो आंसर राइट है मृगात, कस्तूरी मृगात जायते। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं, पेज नंबर 2 पर, मैच ए विथ बी अप्रोप्रिएटली,
यहाँ पर दो कॉलम दे रखे हुए हैं ए और बी, और इसको हमें मैच करना है। नंबर वन त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्र यहाँ पर हमने आंसर पहले से कंप्लीट करके रखा हुआ है, तो हम आंसर चेक करते जाएंगे। नंबर वन त्रिनेत्रधारी, तो चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर समझ में आ गया, त्रिनेत्रधारी कौन है? नारी केला। नर नारी समुत्पन्ना, नर नारी से कौन उत्पन्न होती है? छोटिका यानी कि चुटकी। पंचभत्री, पंचभत्री कौन है? लेखनी। शिलाभक्षी, शिलाभक्षी कौन है? पाद रक्षा। कातरह युद्धे, कातरह युद्धे क्या करते हैं? पलायनम करोति। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रेम अदर वर्ड्स फॉलोइंग द इलस्ट्रेशन, यहाँ पर उदाहरण देख करके इसी तरीके से नीचे जो दिए गए वर्ड्स हैं उनको भी कंप्लीट करना है, फ्रेम करना है। इलस्ट्रेशन दिया गया हुआ है, वृक्षवासी एक वर्ड दे रखा हुआ है और उससे मिलते जुलते हमने वर्ड बनाए हैं, वनवासी, गृहवासी और स्वर्गवासी। तो इसी तरीके से आपको ये सारे नीचे दिए गए वर्ड जो हैं उनको बनाने हैं, कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट वर्ड है शूलपाड़ी, शूलपाड़ी के आगे हमने क्या क्या लिखा है? चक्रपाड़ी, शस्त्रपाड़ी, शंखपाड़ी, कमलपाड़ी। त्रिनेत्रधारी, श्वेत वस्त्रधारी, गौरमुखधारी, रक्तमुखधारी और हास्यमुखधारी। शिलाभक्षी, वातभक्षी, फलभक्षी, अन्नभक्षी, सर्वभक्षी। दंतहीन, नेत्रहीन, वाणीहीन, बुद्धिहीन, गुणहीन। क्वेश्चन नंबर फोर, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इलस्ट्रेशन, यहाँ पर इलस्ट्रेशन जो दे रखा हुआ है उसको देख करके हमको दोबारा से लिखना है। वृक्षवासी न च पक्षी राजा, उदाहरण में दे रखा हुआ वृक्षवासी अस्ति किंतु पक्षी राजा नास्ति। इसी तरीके से बाकी के हमें जो सेंटेंस है उनको भी कंप्लीट करना है। नंबर वन त्रिनेत्रधारी न च शूलपाड़ी, तो इसको हम ऊपर का देख करके, इलस्ट्रेशन देख करके उसी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे और लिखेंगे। त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु शूलपाड़ी नास्ति। सेकेंड नंबर त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, त्वग वस्त्रधारी अस्ति किंतु सिद्धयोगी नास्ति। कृष्णामुखी न मार्जारी, कृष्णामुखी अस्ति किंतु मार्जारी नास्ति। द्विजिह्वा न च सर्पिणी, फोर्थ नंबर द्विजिह्वा न च सर्पिणी, द्विजिह्वा अस्ति किंतु सर्पिणी नास्ति। फिफ्थ नंबर पंचभत्री न पांचाली, पंचभत्री अस्ति किंतु पांचाली नास्ति। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।